बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़े। ठीक है, ये रेसिपी आपको बताऊंगी भी, सिखाऊंगी भी, जो जो लवाजमात कढ़ी पकौड़े में डाले जाते हैं सब आपके सामने करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो देखने को मिले। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पाव बेसन है, ये एक किलो के करीब दही है। ठीक है, आप दही ज्यादा भी ले सकते हैं, मैं एक किलो में बना रही हूँ। ये दो दरमियानी प्याज थी छोटी छोटी सी, इनको बारीक काट लिया। ये कुछ चंद जवे लहसुन के थे, इनको भी मैंने ऐसे काट लिया। ठीक है जी, हल्दी है, ये भी अपने हिसाब से हम डालेंगे जितनी हमें चाहिए होगी। ये ऑयल है, ये भी अपने हिसाब से हम डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा। ये कुटी दड़ा मिर्च सुरख, ये भी अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। ये आधा खाने वाला चम्मच है जीरे, नहीं वो सॉरी धनिया पाउडर है, धनिया कूटा हुआ है। नमक है, ये भी अपने जायके के हिसाब से। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये आपके सामने देखती को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। ठीक है जी, इसमें मैं डालूंगी प्याज, ये आपके सामने सारा काम करूंगी मैं। ये प्याज चला गया, ये घी चला गया, इसमें घी हम ना बस इतना भी डाल देंगे, थोड़ा सा बस इतना। बाकी हम जो पकौड़े बनाएंगे ना, तो जो जीरे का इसको तड़का लगेगा तो माशाल्लाह से घी उसमें भी इस्तेमाल होगा। तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे। ठीक है जी, तो पकौड़े जो बनाने हैं वो सामान आपको बाद में बताएंगे। तो पहले हम ये कढ़ी का सामान जो ये तैयार कर लेते हैं। अब मैं बेसन और दही को मिक्स करूंगी। ठीक है जी, आपके सामने ये जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, ठीक है जी, तो उतनी देर में हम ये अपना ना ये बेसन मिक्स कर लेते हैं दही में। ये एक किलो आपको बताया था दही है। ठीक है जी, हाँ जी, दही डाल दिया मैंने। ठीक है जी, अब इसमें पानी डालूंगी मैं। ठीक है जी, ये आपके सामने। अब इसको दही को हम इसके साथ ना मिक्स करेंगे। ये एक पाव के करीब बेसन है, इसको दही में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियां ना बने। ये आप कढ़ी मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। कढ़ी जरूर बनाएं, हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। हाँ जी, ये बेसन मैंने सारा डाल दिया। ठीक है जी, अब इसमें पानी डालेंगे। ये दो घंटे लगते हैं इसको बनने में, क्योंकि कढ़ी जो है ना, कढ़ी ये टाइम लेती है, बेसन को जो होता है पकाना ही ये होता है इसका। हाँ जी, देखे इसको, ये देखे ऐसे कर लें अच्छे से मिक्स करें, इसकी गुठलियाँ ना बन पाए, क्योंकि गुठलियाँ बनेंगी तो फिर वो कड़ी का खराब हो जाएगा ये सिस्टम। ये बिल्कुल हमारा देखे, ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है, कोई गुठली नहीं बनी। ठीक है, दही भी मिक्स हो चुका है। अब ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, ये देखे इसको लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, ये मैं साथ में ये भी डालने लगी हूँ, ये चंद जवे जो लहसुन के थे ना, ये इनको भी मैं बीच में डाल दूंगी ताकि ये भी साथ में पके, थोड़ा सा चला दें। हाँ जी, देखे प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, ज्यादा नहीं इसको करना, काला नहीं करना, लो करेंगे हल्की। तो इसमें अब ये डालेंगे हम दही और बेसन का जो ये बनाया था ना, इसको डालें फिर आराम से। दही जो लस्सी हमने बनाई थी बेसन की, ये इसमें डाल दी, आपको अब तेज करेंगे। ठीक है, आप इसमें जाएंगे मसाले, इसके सूरा मिर्च, धनिया पाउडर और ये नमक, ये जाएगा।
कम या ज्यादा ये आप जायके के हिसाब से डाल लें। ये हल्दी जाएगी, एक दो तीन चार पाँच, क्योंकि ये हल्दी से इसकी लुक आती है। हाँ जी, इसके सारे ये मसाले डाले, अब इसको मिक्स करेंगे और इसको पानी पानी डालेंगे ताकि ये पके। ठीक है जी, इसको पकने देते हैं 2 घंटे के लिए, पकेगी तो इतनी देर में हम अपना वो दूसरा कोड़े वगैरह जो उनका सामान तैयार करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, इसको 2 घंटे पकाना है। ठीक है, बीच बीच में से चम्मच चलाते रहेंगे, 5 मिनट 10 मिनट देखते रहेंगे, लो आंच पे इसको पकने देना है ताकि बेसन का कच्चापन और जो पानी है वो उसका पानी का भी कच्चापन होता है और बेसन का भी, ये पकेंगे तो फिर जब कढ़ी हमारी गाढ़ी हो जाएगी पक जाएगी तो फिर हम कोड़े डालेंगे। हाँ जी, ये कढ़ी को 2 घंटे हो गए थे रखे हुए, तो आप देखते हैं इसको। हाँ जी, ये माशाल्लाह से देखें, ये देखें कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। ये लो आंच पे इसको पकाया था हमने। ठीक है जी, ये पकोड़े बनाने लगे हम, तो ये जो पकोड़े का सामान है ना ये आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। ये हमारे घर में ना ऐसे ही बनती थी, ये हमारे जो दादो थी ना, दादी अम्मा, वो बिल्कुल ऐसे बनाती थी, बिल्कुल जो देसी बनती थी, कोई इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाते, कुछ भी नहीं, देसी स्टाइल में जी, बिल्कुल घर के मसालों से। हाँ जी, ये 1 पाव आलू है, ऐसे इनको बारीक बारीक काट लिया। ये 2 ज़्यादा प्याज थी, इनको भी ऐसे बारीक से काट लिया पकौड़े के लिए। ये हरा धनिया, ये भी जाएगा पकौड़े के अंदर, हरी मिर्च भी जाएगी। ये 1 पाव बेसन है, आप चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं। ये 1 अदद अंडा, ये भी जाएगा इसी में। ये अजवाइन, ये चम्मच, ये आधे से कम है ये अजवाइन, ये आधे से, ये नमक का ये वाला चम्मच, नमक अपने जायके के हिसाब से, ये वाला 1 चम्मच, ये कुटी सुरख मिर्च, गरम मसाला भी जाएगा, थोड़ा सा साबुत धनिया 1 चम्मच ये वाला, और ये काली मिर्च, ये अपने जायके के हिसाब से ये जाएगी। ये अनारदाना है, ये भी पकौड़े के अंदर जाएगा। ये हम जब तड़का लगाएंगे ना, पकौड़े तैयार हो जाएंगे तो कढ़ी तैयार हो जाएगी, फिर इसका सफेद तिरक हम तड़का लगाएंगे बाद में। ये मेथी है, थोड़ी सी हमने मेथी लेनी है, ये वाली मेथी, इसको बारीक काट लिया। ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन इससे पकौड़े बड़े अच्छे से बनते हैं। ये फ्रेश मेथी थी मैंने, इसलिए ये फ्रेश डाल रही हूँ, आप खुश्क सूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ये पुदीना भी इसकी इसी के अंदर जाएगा, ये पुदीने का जो है ना, ये अजवाइन का और पुदीने का, ये कि ये मैदे के लिए बड़े अच्छे होते हैं, इससे ये के फायदा ही होता है जी, बिल्कुल। ये भी जाएगा पुदीना, ये ऑयल है, ये भी अपने हिसाब से डालेंगे। ठीक है जी, ये मैं सारा कुछ आपके सामने मिक्स करूंगी तो कोड़े का सामान तैयार करते हैं। हाँ जी, ये बेसन है 1 पाव, आप चाहे तो ज्यादा भी पकौड़े बना सकते हैं। मैंने 1 पाव 1 किलो दही में कढ़ी के लिए बेसन किया था और पकौड़े के लिए भी 1 पाव ही। हाँ जी, ये मसाला भी ये सारा जाएगा। आलू भी जाएंगे सारे। हाँ जी, ये प्याज भी जाएगा इसी में, अनारदाना भी जाएगा इसी के अंदर, ये धनिया, हरी मिर्च भी जाएगी, ये पुदीना, ये मेथी है फ्रेश। चले जी, नमक आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा, और मिर्च भी। अब इसको मिक्स करेंगे हम, इसके पकौड़े निकालेंगे हम। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये जो पेस्ट है इसका ऐसे कीजिएगा
कि ना ज्यादा गाढ़ा हो और ना पतला हो, जिससे ये कि हमारे कोड़े वगैरह निकल आए। हाँ जी, कड़ी को देख लेते हैं, ये देखते हैं कड़ी तैयार हो गई है। अब इसमें जाएंगे पकौड़े, ताकि इसका कच्चापन जो है ना निकल जाए, बेसन भी पक जाए, पानी भी इसका पके। अब इसको हम दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफर करते हैं, तो फिर हम पकौड़े निकाल लेंगे। हाँ जी, ये अंडे अंडे को भी हम डालेंगे अब, और ये काली मिर्च अपने जायके के मुताबिक। बेसन आपको एक पाव का बोला है, अगर आपको बेसन कम लगता है या ज्यादा, आप अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं। हाँ जी, तो ये है कि सूरा मिर्च का भी आप ज्यादा कर सकते हैं, मिर्च मसाला तेज खाते हैं तेज कर ले कम कर ले। अब इसको फिर मिक्स करेंगे हम। हाँ जी, ये पेस्ट देखे हमारा तैयार हो गया, ऐसे बिल्कुल ऐसे पेस्ट, ये ना ज्यादा नरम है और ना ज्यादा गाढ़ा है, बस दरमियाना। अब हम कोड़े निकाल लेंगे, ठीक है, फिर आपको दिखा देंगे। हाँ जी, ये ऑयल डालने लगे हम, ठीक है, अब पकौड़े हम तलेंगे। हाँ जी, ऑयल डाल दिया, अब ये गर्म होता है तो फिर हम। हाँ जी, देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़े डाल के निकाल लेंगे ऑयल में। ये देखें, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, देखें ना ज्यादा थिक हो और ना ज्यादा पतला हो। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे डालना है आपने। हाँ जी, ऐसे उठाना है, बस डालना है, फिर ऐसे उठाना है। ये जो पुदीना अजवाइन ये गया है ना, ये बड़ा मजे का लुक आता है खाने में, बड़ा मजे। ये देखें ऐसे डालते जाना, देखें ऐसे थोड़े थोड़े करके आपने ना ऐसे इसको डालते जाना है, ठंडे घी में नहीं डालना। तो फिर ऐसे इसको ना साइड से, एक साइड से जब ये रेड सा हो जाएगा ना ब्राउन, फिर इसको पलट लीजिएगा, देख लीजिएगा ऐसे पलट देना ऐसे। देखें ये एक साइड से ब्राउन हो गया, तो दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। जब ये ब्राउन हो जाए फिर इनको निकाल के ना आप रखते जाएं, तो ऐसे थोड़े थोड़े करके आप फिर इसको डाल के जाएं। ये देखें पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें ऐसे आपने निकालना है, ऐसे ब्राउन करके ऐसे आएंगे, ऐसे सारे पकौड़े आप निकालने हैं, ऐसे ही आप निकालें, क्योंकि ज्यादा काले नहीं करें, लेकिन की शक्ल देख लें आप इस तरह। अब बारह डालेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। हमारे ये देखे तैयार हो गए हैं, सारे फ्राई हो गए थे, ठीक है। तो कड़ी को भी हम देख लेते हैं, जब तक कोड़े हमारे निकल रहे थे तो कड़ी को भी हमने ना लो आंच पे पकाने के लिए रख दिया था। कड़ी भी माशाल्लाह से तैयार, ये सफेद तीर है, तो ये इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हो। अब इसका हम तड़का लगाएंगे इसको चूल्हे पे, ठीक है जी, ये चूल्हे पे चला गया। हाँ जी, घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये जीरे को और घी को इसमें रख दिया। आप ये जब तड़का लगाएंगे आपको दिखाएंगे, तो ये आपके सामने डालते हैं पकौड़े भी, ये पकौड़े आपके सामने डालते। हाँ जी, ये देखिए पकौड़े कड़ी में डाल दिए, ठीक है जी, अब इसको चला लेंगे हम। आप ये इस तरह बनाएंगे ना, तो वाकई आपको बहुत मजा आएगा। पकौड़े भी माशाल्लाह बड़े मजे के बने हैं, वो कड़ी में नमक भी परफेक्ट है, ठीक है जी। मेथी जरूर डालिएगा और पुदीना भी और अजवाइन भी पकौड़ों में, ठीक है। अब इसको हम
हाँ जी, तड़का हमारा हो गया, अब इसको हम डालेंगे इसमें कड़ी में। हाँ जी, ये देखिए तड़का हमारा हो गया, अब इसको डालेंगे कड़ी में, ज्यादा काला नहीं करना बस। कोई कड़ी पता नहीं, कोई लहसुन नहीं है, सफेद जीरे का तड़का लगाया इसको। ये बिल्कुल कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है, अब इसको करते हैं हम डिश आउट, फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये अब बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। तो हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।